कबाबों की जन्नत। हाय, मैं हूं शरण चोपड़ा और आप मुझको देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल शरण चोपड़ा ऑफिशियल पर। कबाबों की बौछार लगी हुई है, अलग अलग किस्म के कबाब हैं, चिकन कबाब, मटन कबाब, सीख कबाब। क्या आपको पता है कि कबाब को अपनी पहचान कैसे मिली? एक सर्वेक्षण के अनुसार फौज और खाना बदोशों के सफर के दौरान कबाब को पहचान मिली। कबाब सफर में ले जाने के लिए बड़ा आसान होता है, पकाने में आसान होता है, ताकत देता है, इसलिए इसे सेहत के लिए पौष्टिक माना जाता है। दुनिया के नक्शे पर गौर फरमाएंगे तो पाएंगे कि दुनिया के बेहतरीन कबाब उन इलाकों से आए हैं जहाँ जंगे हुई हों या खानाबदोश लोग जिए हों। ये सैनिक न केवल जीत के झंडे अपने साथ लेकर चलते हैं बल्कि गोश्त के भुने हुए टुकड़े भी अपने पास रखते हैं। मुंबई में कबाब की चर्चा हो तो सबसे टॉप पर आता है मोहम्मद अली रोड का नाम, और आज मैं यहाँ पर आई हूँ हिंदुस्तान होटल में, जहाँ आप देख सकते हैं कबाबों की बौछार लगी हुई है। आज हम खाएंगे लज्जतदार मज़ेदार कबाब। आइए सबसे पहले हम ये ट्राई करेंगे, इसे कहते हैं हिंदुस्तान छोटा कबाब, ये बहुत ही मशहूर है यहाँ पर। चटनी के साथ आप खा सकते हैं। सीख कबाब, आप देख सकते हैं कि किस कदर हमने हमला किया। और अब अजीज जी ने वही तरह और जो कुछ बचा है वो पैक करके लेकर जाएंगे। और अजीज जी ने ये जबरदस्त चाय बनवाई हमारे लिए, दालचीनी चाय। आपने हमें देखा नहीं ना, आप सोचेंगे छोटी सी शॉप पे इतना बड़ा फालूदा मिलता है कि नहीं।